लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आज जारी होगा चुनावी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना, स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसानों की कर्ज माफी समेत कई अहम वादे हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ जयपुर ग्रामीण सीट से कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और विधायक कृष्णा पुनिया को टिकट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भारतीय सेना को मोदी की सेना कहने पर चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के डीएम से रिपोर्ट तलब की। विपक्ष ने कहा ये सेना और शहीदों का अपमान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की ओर से कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की वकालत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बगावत। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा लॉन्च किया। साथ ही ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली, लेकिन देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए के पार, पर अभी भी सालाना लक्ष्य से 33,000 करोड़ रुपए पीछे। तुर्की के राष्ट्रपति रेशेप तैयिप एर्दोगान को स्थानीय चुनावों में तगड़ा झटका। पार्टी अपने गढ़ अंकारा में हारी, कम्युनिस्टों की विजय। और आईपीएल में सैम क्यूरन की हैट्रिक से पंजाब ने दिल्ली को 14 रन से हराया। 4 विकेट लेने वाले सैम क्यूरन मैन ऑफ द मैच रहे।